मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर फर्स्ट इंटीजर, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़, कि इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है सूटेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि सही प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब मैंने आपको कल प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, तो उनमें से हमें देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ दिया हुआ है 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 36। तो यहाँ पर हमारे पास हम कर सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ए हमारे पास सेम हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी। और अगर हम इसको खोल के लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, और बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा और माइनस का साइन हो तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर यानी कि कॉमन क्या है हमारे पास इसमें, तो इसमें हमारे पास कॉमन है 48। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया 48 माइनस 48 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमने लिया 26 और 36, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाया 26 प्लस, यहाँ 36 माइनस का है तो माइनस 36 माइनस 48 मल्टीप्लाई 26, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ हमने उतारा 36 माइनस 48 मल्टीप्लाई, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 26 में से 36 को क्या करना है, माइनस करना है। ये 26 में से 36 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन 36 में से 26 को माइनस कर सकते हैं। 36 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10, लेकिन 10 हमारे पास किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के डिजिट बड़ी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 10, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 480, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बी सी डी ई एफ जी और एच भी करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके समझ सकते हो।